माननीय मुख्य अतिथि महोदय साधु संत भाई साहब लखुमार जी साहब और पधारे हुए प्रभुगण प्यारे बच्चों, आज बच्चों के साथ साथ मेरा भी रिजल्ट है। एक साल में हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या किया, ये आपके सामने पुट अप करने का समय है। कोरोना काल में मैं तो बीकानेर बैठा आरएस की तैयारी कर रहा था, डबले में बीएड था, किसी ने बोला फर्स्ट ईयर लेक्चरर बन जाएगा, सेकंड ईयर टीचर बन जाएगा, तो बात तो परेशान हो रहा है उसकी नौकरी से, तो जॉब ज्वाइन कर लिया। फिर प्लान करके आरएस की तैयारी स्टार्ट की, एक दिन लगा बैठे बैठे आरएस को मैं मान रहा हूँ अपने आप को, गवर्नमेंट थोड़ी मेरे को आरएस मान रही है, तो उसी दिन किताबें साइड में रखी और सोचा जो नौकरी करके आए होंगे वैसे नौकरी पैदा करेंगे, जिन सरहदों की मैं सुरक्षा करके आया हूँ उन सरहदों के लिए और सैनिक तैयार करेंगे। उसी दिन झोला उठाया, बीकानेर से 465 आ गया और एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना की, कमांडो डिफेंस अकेडमी। मेरा खुद का बहुत अच्छा अनुभव था सेना में ट्रेनिंग करवाने का, तो उसी का मुझे फायदा मिला और बच्चों का बहुत आशीर्वाद और प्यार मिला, साथ साथ बच्चों ने खुद कोऑपरेट किया। वैसे टफ फिजिकल के लिए और निर्दयता के लिए मैं जाना जाता हूँ, मेरे पास बच्चे ज्यादा देर होल्ड नहीं करते हैं। जो बच्चा 2 से 3 महीने रुक जाता है वो या तो फौज से दूर हो जाएगा या रनिंग फिजिकल क्लियर कर जाएगा। मेरा बेसिक फिजिकल है, मैं फिजिकल की गारंटी देता हूँ, जो एक बार हाथ से निकल गया वो या तो भर्ती हो जाएगा या वो सपना छोड़ देगा सेना में जाने का। तो इस तरह की ट्रेनिंग से ली है और उसका रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा। इस बार जो इस सत्र का टोटल सिलेक्शन है गवर्नमेंट जॉब में वो 19 है और मैं राजस्थान के बाकी इंस्टीट्यूट का अगर हवाला दूं आपको तो उसमें हम टॉप में चल रहे हैं या टॉप के आसपास हैं। झुंझुनू एआरओ में मेरे 50 बच्चे थे वो दौड़ में उतरे थे, मैदान में उतरे थे और उनमें से 50 में से 38 बच्चों ने फिजिकल क्लियर किया। हमारी जिम्मेवारी फिजिकल तो होती है क्योंकि मेडिकल में बच्चे को सारी कोई कृति है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमने अपनी ड्यूटी शानदार की और जो बच्चे रनिंग में फेल हुए वो या तो कम समय रुके मेरे पास में या फिर नर्वस हो गए फर्स्ट टाइम का। उसके बाद एसएससी जीडी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस होता है उसके अंदर मेरे 22 बच्चों ने फिजिकल किया और 22 के 22 पूरे पूरे फिजिकल फिट थे। उनका रिजल्ट वेटेड है, एग्जाम उसके बाद में होता है। 4 बच्चों का राजस्थान सब इंस्पेक्टर की तैयारी करवाई फिजिकल की, तो 4 का फिजिकल फिट था। उसमें लक्ष्मी एक आपके सामने है, तो कुछ मार्किंग वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया लेकिन फिजिकल 100% था। गर्ल्स कबड्डी टीम यहाँ वो छोरियां थी जिनको टाइम से खाने बाटा नहीं मिलता था, गरीब परिवार बिल्कुल गरीब थी, निःशुल्क उनको तैयारी करवाई। और बीकानेर में बीकानेर कॉलेज की वो प्रोफेशनल लड़कियां जो स्टेट के प्लेयर है उनको टक्कर दे के आई, उनसे हार के आई और उससे पहले 2 टीमें थी जज्जू बज्जू इनको सबको हरा के वहां पे पहुंची, तो बहुत अच्छा रिजल्ट था लड़कियों का। उन्हीं में से 2 लड़कियों का सिलेक्शन स्टेट लेवल पे हुआ, पपिता कंवर और कृष्णा मेहरा। निःशुल्क था ये, मैंने कभी चार्ज नहीं किया लड़कियों से किसी प्रकार का फीस नहीं ली। अगला है, अभी भर्ती चल रही है जोधपुर एआरओ। जोधपुर एआरओ में अभी तक 10 बच्चे फिट हैं, 2-3 बच्चे फेल हुए हैं, कुछ टेक्निकल रीजन रहा उनका इंजीनियरिंग, तो रिजल्ट बहुत शानदार है। ये 10 में से 9 बच्चे फाइनली सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर यही प्रोग्राम अगर 1 महीने बाद करते हैं तो यहाँ पर 19 की जो स्ट्रेंथ मेरे हिसाब से 30 होती है। एनसीसी का भी आजकल सिलेक्शन आर्मी का जैसा ही हो गया, तो 30 लड़कों ने एनसीसी की तैयारी की मेरे पास में और 30 के 30 सभी फिजिकल फिट थे, पास थे। तो ये तो मेरा प्रोग्रेस रिपोर्ट रहा और
बाकी रही बात एकेडमी में, अभी कुछ मेरे साथी अगर बोल रहे हैं वाह यार जबरदस्त कमाई कर रहा है, बिल्डिंग खड़ी कर दी, मात्र 166 रुपए पर डे का खर्चा है एक बच्चे का, उसमें मैं खुद ट्रेनिंग करवाता हूँ, दो मेरे गुरुजी हैं आरएस लेवल के, दोनों आरएस मेंस क्वालिफाई है, तीन टाइम का खाना है, दूध है, फ्रूट है, जूस है, मैं आधा डॉक्टर मैं खुद हूँ, तो बच्चों को खुद केयर करता हूँ मां की तरह, और उसमें भी हम 166 रुपए चार्ज करते हैं। तो आप फीस का स्टैंड तो समझ गए होंगे, गरीब की एकेडमी बोलता हूं मैं। और पिछली बार झुंझुनू यारों में मेरे पास समय 12 लड़के ऐसे थे जो निःशुल्क थे, जिनके पापा नहीं थे, जो बीपीएल परिवार से थे या जो भूमिहीन थे, उन्होंने आए मेरे पास, मैं सर ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो उनको मैंने बोला बेटा आप तैयारी करो, पैसा नहीं लूंगा, निःशुल्क करवाया उनको। बाकी 400 रुपए स्टार्डी का बहुत जबरदस्त सहयोग रहा, हर एक सदस्य ने इतना प्यार दिया, कभी लगा ही नहीं कि मैं 18 साल नौकरी करके आया हूं और लोगों से इतना दूर है कि भी अपनापन लग रहा है। कभी कभी होता है माहौल ये होता है कि आप फौजी है बाउले बोल से, ये कॉन्सेप्ट भी लोगों ने दिमाग से निकाल दिया, इसमें सत्य है। बाकी 400 बेस्ट मंडी का कोई भी प्रोग्राम होता है, मतलब मैं तो बात कुछ भी करवा दे साहब, कोई शादी है, दो साल का काम है, शादी का साफ सफाई है, कुछ भी काम है, वृक्षारोपण है, कुछ भी काम है, हम बढ़ चढ़ के अकेडमी वाले हिस्सा लेते हैं, और जब तक काम सक्सेस नहीं हो जाता तब तक पीछा भी नहीं छोड़ते। हमारे लिए जंगी से लेकर भंगी तक का काम करना आसान और इजी है, करते हैं तसले से मन लगा के। साथ में हम लोग इतने पैसा नहीं कमा पा रहे हैं कि इसमें ज्यादा एकेडमी को तो क्वार्टर उधर नहीं लगा पा रहे थे, तो मैंने तो नहीं बोला लेकिन प्रेम जी भाई साहब दया आ गई हम लोगों के बच्चों पे, तो थैंक यू प्रेम जी सर, आपने क्वार्टर कूलर डोनेट किया बच्चों के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। आप सभी वक्त निकाल के आए और प्रार्थना करूंगा इसी प्रकार के आयोजन अब साल में दो बार करने पड़ेंगे, है ना, तो आप प्यार और सहयोग देते रहिए, यहाँ पे बुलाने का काम मेरा है, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, लगन से बच्चों की जॉब की ओर अग्रसर करेंगे। आप तो बस इनवाइट करते हैं तो थोड़ा हमारे लिए हौसला अफजाई के लिए दो मिनट का वक्त निकाल लीजिए बस।